हेलो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर नंबर टू, क्लास 11। लास्ट टाइम पे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, तो आज देखिए, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग ऑफ टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर। ठीक है, ये जो रेडियन मेजर दिए हुए हैं इनका हमें डिग्री मेजर निकालना है। सो हमें पता है, वी नो दैट वन रेडियन इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाई पाई, रेस के इक्वल है। दिस इम्प्लाइज 11/16 रेडियन इज इक्वल टू, उसको कर देंगे 180 डिवाइड बाई पाई मल्टीप्लाई बाई 11/16, और पाई की वैल्यू को यूज़ कर लेंगे 180 22/7 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टी डिवाइड बाई 16। जब इसको करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 428 आ गया। ठीक है, ये आ जाएगा 315 डिवाइड बाई 8 डिग्री। अब देखिए, फ्रैक्शन में मिल गया, इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। इसको फर्दर सॉल्व करूँगा, मिक्स फ्रैक्शन में इसको लिखूँगा 39/3/8 डिग्री। ठीक है, और इसको मैं कैसे, आपको मालूम होना चाहिए, फ्रैक्शन इसको मिक्स फ्रैक्शन को ऐसे लिख सकता हूँ, प्लस 3/8 डिग्री इज इक्वल टू 39 डिग्री प्लस, बिल्कुल सिंप्लीफाइड वे में लिख रहा हूँ। और मैंने आपको बताया हुआ है इसको 1 डिग्री किसके इक्वल होता है, 60 मिनट्स। देखिए 60 मिनट्स, बिकॉज 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे 39 डिग्री, और इसको कर लीजिए, ठीक है, ये आ गया 45 डिवाइड बाई 2 मिनट्स। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 39 डिग्री प्लस 22/1/2 मिनट। अब देखिए, इसको वैसे ही करेंगे, 39 डिग्री प्लस 22 मिनट्स प्लस 1/2 मिनट्स। और आपको मालूम है 1 मिनट कितने सेकंड्स के इक्वल होता है, तो इसको सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये सेकंड्स बन जाएगा, बिकॉज 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड्स। इज इक्वल टू जब करेंगे 39 प्लस 22 डिग्री प्लस, इसको जब कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 30। और इसको लिखने का तरीका देख लीजिए, तो प्लस को हटा सकते हैं फिर, प्लस 22 मिनट्स प्लस, सॉरी प्लस नहीं लिखेंगे, ठीक है, बाद में हम जो एक ही बार में लिखना होगा तो ऐसे लिख सकते हैं 22 मिनट्स एंड 30 सेकंड्स। तो ये इसका आंसर हो गया। अब देखिए, सेकंड पार्ट है हमारे पास, हाँ, यहाँ पे -4 है, तो सेकंड पार्ट आ गया -4। तो सोल्यूशन देखते हैं इसका, सेम वी नो दैट 1 रेडियन इज इक्वल टू कितना, सॉरी 180 डिवाइड बाई पाई डिग्री, तो देयरफॉर -4 रेडियन इज इक्वल टू कितना, 180 डिवाइड बाई पाई मल्टीप्लाई बाई -4। इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन पहले 22/7 मल्टीप्लाई बाई -4, इसका 11 आ जाएगा, इसका 2 आ जाएगा, और नहीं करते हैं तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा -2520 डिवाइड बाई 11। इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में लिखने का तरीका -2291/11 डिग्री। ठीक है, ये हो गया, मैंने बताया इसको कैसे लिख सकते हैं, यहाँ से इसके बाद यहाँ पे लिख रहा हूँ, इज इक्वल टू माइनस, बाहर निकालेंगे 229 प्लस 1/11, इसको होल डिग्री, ठीक है, -229 डिग्री प्लस 1/11 डिग्री। इसके आगे कैसे लिखेंगे, -229 डिग्री प्लस, हाँ, इसको मिनट में कन्वर्ट करना है तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा मिनट। इसका रीजन लिख देंगे, बिकॉज 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स। ठीक, इसके बाद इसको यहाँ पे लिखेंगे, इज इक्वल टू माइनस, बाहर ही रखेंगे 229 डिग्री प्लस, हाँ, इसको जब करेंगे तो कैसे आ जाएगा 5/11 मिनट्स। इसको जब सॉल्व करेंगे तो माइनस बाहर 229 डिग्री प्लस, इसको भी मिनट दे देंगे 5 है प्लस, सॉरी 5/11 मिनट्स। ओके, उसके बाद इसके यहाँ पे लिखा इज इक्वल टू -229 डिग्री प्लस 5 मिनट, और इसको कन्वर्ट कर देंगे सेकंड्स में, 5 मल्टीप्लाई बाई 60 डिवाइड बाई 11 सेकंड्स में कन्वर्ट कर दिए, बिकॉज 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड्स। ओके, अब इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे, -229 डिग्री प्लस 5 मिनट, और इसको सॉल्व कीजिए, 300 आता है, 300 डिवाइड बाई 11 सेकंड्स, तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा माइनस से पहले गया 229 डिग्री प्लस 5 मिनट प्लस, इसको जब सॉल्व करेंगे तो जाएगा 27/3/11
सेकेंड्स। देखिए सेकेंड्स के नीचे और नीचे जाना पॉसिबल नहीं है, तो इसको क्या करते हैं, जो फ्रैक्शन पार्ट है इसको लिखते नहीं। देखिए इसको कैसे लिखूंगा मैं, माइनस टू टू नाइन डिग्री प्लस फाइव मिनट प्लस 27 सेकेंड्स। ठीक है, इसको लिख सकता हूँ फर्दर, माइनस टू टू नाइन डिग्री फाइव मिनट 27 सेकेंड। तो ये हो गया हमारे पास। अब थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे, ठीक है, थर्ड पार्ट है, इसको करेंगे सर सॉल्यूशन। सेम वी नो दैट, सो अगर 1 रेडियन इजिकल टू 180 डिवाइड बाई पाई डिग्रीज है, देयरफॉर इजिकल टू किसके बराबर होगा, 180 पाई मल्टीप्लाई बाई 5π/3। ये और ये कट गया, 3/6 60 आ गया। तो ये सीधा सीधा कितना आ रहा है, 300 आ रहा है। ठीक है, 6π/3 300 डिग्री आ रहा है। तो ये तो सीधा सीधा आंसर आ गया सोल्यूशन इसका भी। वी नो दैट वन रेडियन इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाई पाई डिग्री। सो क्या हो जाएगा, देयरफॉर 7π डिवाइड बाई 6 रेडियन इज इक्वल टू कितना, 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये और कट गया, 6 6 3 था, ठीक है 30 आ गया, और 30 × 7 = 210। सिंपल सिंपल आंसर आ गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इफ व्हील मेक्स 360 रेवोल्यूशन इन 1 मीटर, सो हाउ मेनी रेडियन डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। देखिए भाई, 1 सेकेंड में कितने रेडियन चलेगा, ठीक है, एक व्हील है वो 1 मिनट में 360 चक्कर लगाता है, ठीक है। तो हमें उसने बोला है कि 1 सेकेंड में, ठीक है, बिल्कुल सिंपल मैथमेटिक्स है। तो 1 मिनट में कितना सेकेंड, तो 60 सेकेंड में कितने लगाता है, 360 रेव लगाता है, रेवोल्यूशन लगाता है। तो 1 सेकेंड में कितना लगाएगा, 360 डिवाइड बाई 60, ये कितना आ गया, 6 6 रेवोल्यूशन लगाता है 1 सेकेंड में, 6 रेवोल्यूशन। उसने ये नहीं पूछा, उसने पूछा है कि कितने रेडियन मेजर है वो उसका। तो आपको ये मालूम होना चाहिए, अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक एक टर्न है तो कितना रेडियन होता है, मैंने बताया था 2π। अगर एक टर्न में 2π है तो कितने, हाँ रेवोल्यूशन, मतलब वो पूरा का पूरा टर्न होना, उसको बोलते हैं रेवोल्यूशन। तो एक में अगर 2π ले रहा है तो 6 में कितना, 6 × 2π 12π आंसर होगा, ठीक है। सो इसका लिखेंगे, ब्रैकेट में लिख देंगे 60 सेकंड्स इज इक्वल टू 360 रेवोल्यूशंस बाय व्हील इन 1 सेकंड, ठीक है। कितना हो जाएगा, 360 डिवाइड बाय 60 इज इक्वल टू 6, तो 6 रेवोल्यूशन होगी। सो रेडियन मेजर इन 1 रेवोल्यूशन, 1 रेवोल्यूशन में रेडियन मेजर कितनी होती है, 2π। तो 1 सेकंड में कितनी लगा रहा है, 6, तो 6 में कितनी हो जाएगी, 6 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 6 × 2π इज इक्वल टू 12π, ठीक है ना। और यही जो 6 रेवोल्यूशन थी कितने सेकंड में था, ठीक है, 1 सेकंड, देयरफॉर सर ऑफ व्हील रेवोल्यूशन इन 12, ठीक है। सो रेडियन लिख दिया मैंने, ठीक है, 12 पाई रेडियन, ठीक है। फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस दिस एंड आर्क लेंथ दिस। देखिए इससे पहले आपको एक फार्मूला बताना पड़ेगा, फार्मूला क्या होता है कि अगर ये आर्क लेंथ एल हो, ये थीटा हो, ये आर हो, तो हम थीटा को, हाँ ये रेडियन मेजर पे होता है, तो थीटा कितना होता है, एल डिवाइड बाई आर। देखिए मैंने आपको क्या बताया था, 1 रेडियन किसके इक्वल होता है, अगर ये 1 यूनिट आर्क लेंथ होगी और ये वाला, अगर ये 1 यूनिट आर्क लेंथ होगी और ये 1 यूनिट होगा, तो जो बीच का जो एंगल होता है वो 1 रेडियन होता है। देखिए अब रेडियन कैसे मेजर कर रहे हैं, अगर लेंथ कोई भी होगी, ठीक है ना, उसके आर, देखिए आर से रिलेट होगा रेडियन, तो उसके अगर आर हिस्से कर देंगे तो जितना भी रेडियन बनेगा वो रेडियन बन जाएगा, ठीक है ना। लेंथ जितनी मर्जी हो, सपोज करो ये 1 यूनिट हो, ये 2.5 यूनिट हो, 2.5 हो, ठीक है, तो रेडियन कितना बनेगा, 2.5 डिवाइड बाई 1, तो 2.5 रेडियन बन जाएगा, ठीक है, 2.5 रेडियन बन जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब है लेंथ को डिवाइड कर देंगे रेडियस से तो उतने रेडियन बन जाएगा, ठीक है। तो ये फार्मूला है हमारे पास, इसको यूज करेंगे। चलिए सो सॉल्यूशन इज, लेट एल बी द
लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ सर्कल विच सबटेंड्स एंगल थीटा विद रेडियस आर एट द सेंटर। देयरफॉर तो एल कितना दिया हुआ है, तो लेंथ ऑफ द आर्क दिया 22 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर। रेडियस दिया हुआ है आर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। वी नो दैट, अभी जो फार्मूला पढ़ाया, वी नो दैट थीटा इक्वल टू एल डिवाइड बाय आर। ठीक है, तो लेंथ आर्क की इक्वल टू कितनी है, 22 डिवाइड बाई 100। ठीक है, तो ये आ गया 11/50। ठीक है, 11/50 आ गया। ये तो रेडियन में आया भाई, मैंने बताया ये जो एंगल निकलेगा ये रेडियन में निकलेगा। उसने क्या बोला हुआ, डिग्री मेजर निकालो, तो आपको मालूम है डिग्री मेजर कैसे निकालते हैं। सो वी नो दैट 1 रेडियन इज इक्वल टू कितना था, 180 डिवाइड बाई 5 डिग्री। अगर ए कितना है, तो 11/50 रेडियन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 पाई मल्टीप्लाई बाई 11/50। और ये किसके इक्वल हो जाएगा, 180, इसको वैल्यू यूज करो 22/7। हाँ, अगर डिवाइड में 7 होगा तो आ जाके तो ऊपर ही आ जाएगा, तो इसलिए पहले ही मैं ऊपर लिख रहा हूँ। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 11/50 कीजिए साल उसको, जो भी आंसर आएगा भाई आप देख लीजिएगा। 5, अच्छा ये नहीं कटेगा भाई, ये नहीं कटेगा, 5 नहीं कटेगा। ठीक है, तो ये रह गया। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए, ये आ गया अभी 8, 9। ठीक है, ये आ गया हमारे पास 63 डिवाइड बाई 5 डिग्रीज। ठीक है, अभी देखिए 63 ये डिग्रीज में आ गए। अभी आपको मालूम है मैंने बताया था इसको, ये फ्रैक्शन में आया तो उसको चेंज करेंगे, तो 63/5 डिग्रीज इज इक्वल टू कैसे लिखूं, इसको मैं 12/3 और 5 डिग्रीज लिख सकता हूँ। ठीक है, इसको मैं कैसे करूँगा, जैसे पहले साल किया 12+3/5 होल डिग्री इज इक्वल टू 12 डिग्री + 3/5 डिग्री। और ये इसके ऊपर हो जाएगा 12 डिग्रीज + 3/5 × 60 मिनट्स। ठीक है, डिग्री को मिनट में कन्वर्ट कर दिया, बिकॉज 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स। ठीक है, तो ये इसको सॉल्व करेंगे, 12 डिग्री + 5 12 12 3 36 मिनट सॉरी सेकेंड्स लिख दिया मिनट्स। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, प्लस को हटा सकता हूँ, बताया था पहले 36, तो यही आंसर है इसका। ठीक, इन सर्कल ऑफ डायमीटर, देखिए डायमीटर दिया हुआ है, लेंथ और लेंथ ऑफ कार्ड दी है। देखिए अब यहाँ पे एक डायग्राम ड्रा करते हैं। अब अगर डायमीटर 40 है तो रेडियस कितना होगा, 20। ठीक है, अगर ये है तो ये भी 20 होगा, ये भी रेडियस। अब देखिए कार्ड लेंथ, तो इन दोनों को जो ज्वाइन करता है इस कार्ड लेंथ, ये भी 20 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक है, इसका नाम देते हैं ए, बी देते हैं, इसको ओ नाम देते हैं। ठीक है, उसने बोला क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क ऑफ द कार्ड, तो ये वाली जो लेंथ है इसको निकालना है। ठीक है, फार्मूला तो आपको मालूम है, फार्मूला होता है थीटा इक्वल टू एल डिवाइड बाई आर। ठीक है ना, अब मुझे आर मालूम है, एल निकालना है और थीटा भी निकालना है। देखिए थीटा मालूम करना है, तो थीटा पहले मालूम करके तभी तो एल निकलेगा। ठीक है ना, आर तो मालूम है, तो यूज़ करते हैं इसको। देखिए हेयर डायमीटर इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, देयरफॉर रेडियस आर इक्वल टू 40 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ कार्ड ए बी इज इक्वल टू कितना, 20 सेंटीमीटर। सो आप देख रहे हैं ये वाली साइड भी, ये वाली साइड भी 20 है, ये वाली साइड भी 20 है, ये वाली साइड भी 20 है, तो एक ट्राइंगल जिसके तीनों साइड्स इक्वल हैं वो इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाएगा। ठीक है, सो देयरफॉर ट्राइंगल ए ओ बी, ऐसे ऐसे लिखेंगे, देयरफॉर इन ट्राइंगल ए ओ बी, ए बी इज इक्वल टू बी ओ इज इक्वल टू ए ओ इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। देयरफॉर ट्राइंगल ए ओ बी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल बिकॉज लेंथ ऑफ ऑल साइड्स इज इक्वल टू ईच अदर। ठीक है, अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो मुझे बताइए जो ये वाला एंगल है वो कितना होगा। इक्विलेटरल ट्राइंगल का हर एक एंगल 60 डिग्री का होता है, सो लेट थीटा बी द एंगल सबटेंडेड एट द
सेंटर ऑफ सर्कल ओ बाय द आर्क एपी, ठीक है ना। सो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, और 60 डिग्री को आप कर सकते हैं पाई बाय 3 रेडियन हो जाएगा, ठीक है ना। आपको मालूम है 1 डिग्री किसके इक्वल होता है, तो ये हो जाएगा पाई डिवाइड बाई 180। तो 60 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा, पाई डिवाइड बाई 180 मल्टीप्लाई बाई 60, ये सॉरी 180 6 3, तो कितना हो गया पाई बाई 3, ठीक है। तो पाई बाई 3 रेडियन हो गया। सो वी नो दैट थीटा इज इक्वल टू एल डिवाइड बाई आर, ठीक है ना। हम निकाल गए एल निकाले, तो एल इज इक्वल टू थीटा इंटू आर, तो एल कितना हो गया थीटा आ गया था पाई बाई 3, और आर कितना आया था 20, और यही आंसर है आपका 20 पाई बाई 3, ठीक। देखिए हमने टू सर्कल्स आर्क्स ऑफ सेम लेंथ सबटेंड ये एंगल है, और रेडियाई की रेशियो निकालनी है, ठीक है ना। तो एल तो कॉमन है, अगर सपोज करो ये थीटा 1 है, एल डिवाइड बाई आर 1, और थीटा 2 हो गया एल डिवाइड बाई आर 2, आपको निकालना है आर वन डिवाइड बाई आर 2। एल एल तो दोनों सेम आएगा, ठीक है ना, क्योंकि सेम लेंथ आर्क ऑफ द सेम लेंथ है, तो एल एल रखेंगे इसको, बाकी को सॉल्व करेंगे बाकी, ठीक है। सॉल्यूशन, लेट सी वन एंड सी टू बी टू सर्कल्स विद रेडियाई आर वन एंड आर टू एंड हैविंग सेम आर्क लेंथ विद एंगल्स 60 डिग्री एंड 75 डिग्री रिस्पेक्टिवली एट देयर सेंटर्स, ठीक है। ये हो गया, तो हमें तो रेशो निकालनी है, लेकिन मैंने बताया था जो थीटा इज इक्वल टू एल डिवाइड बाई आर होता है वो रेडियन में होता है। देखिए आपको एंगल डिग्री में दिया हूँ, तो इसको क्या करेंगे, 60 डिग्रीज इज इक्वल टू बताया मैंने पाई बाई 3 रेडियन, ऐसे लिखते हैं, यू नो दैट। और 75 डिग्रीज इसको निकालो, सो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई डिवाइड बाई 180 एंड 75 डिग्रीज इज इक्वल टू पाई 180 मल्टीप्लाई बाई 75। सो 5 से करेंगे तो 15 और 36 और 3 5 और 1 2, तो ये आ गया 5, इसका आ गया 5 पाई बाई 12, ठीक है रेडियन। तो ये हो गया, तो ये तो एंगल आ गया, रेडियस आर वन आर टू है, और हैविंग द सेम आर्क लेंथ एल लिख लेना, ठीक है ना, दोनों में सेम आर्क लेंथ। सो ये रफ है, वी नो दैट क्या है, सो थीटा 1 इज इक्वल टू एल डिवाइड बाई आर 1 एंड थीटा 2 इज इक्वल टू एल डिवाइड बाई आर 2, ठीक है ना। तो थीटा 1 किसको रख लेंगे, दिस इंप्लाइज पाई बाई, अच्छा डिवाइड ही कर लेते हैं, ठीक है ना। दिस इंप्लाइज यहाँ पे आर 1 निकाल लेते हैं, आर 1 इज इक्वल टू एल डिवाइड बाई थीटा 1 एंड आर 2 इज इक्वल टू एल डिवाइड बाई थीटा 2। सो देयरफॉर अगर मैं आर 1 डिवाइड बाई आर 2 करूँगा तो क्या आएगा, एल डिवाइड बाई थीटा 1 डिवाइड बाई एल डिवाइड बाई थीटा, एल और एल कट जाएगा, आएगा थीटा 2 डिवाइड बाई थीटा 1, यह आ जाएगा थीटा 2 कितना है, देखिए इसको मैं थीटा 2 रखूँगा, ठीक है ना। देखिए आप यहाँ पे भी करेक्शन कर सकते हो, इसको मैं इसके बाद अगर लिख दूंगा तो इसके बाद लिख देना, इसके बाद लिख देना थीटा 2 से सपोज कर लूँगा, और इसके बाद लिख देना थीटा 1 से, ठीक है ना। इसे मालूम हो जाएगा भाई इसके थीटा 1 लिया था और इसको थीटा 2 लिया था, ठीक है, हाँ ये भी अच्छा है। तो थीटा 2 कितना हो गया 5 पाई डिवाइड बाई 12, और थीटा 1 था पाई डिवाइड बाई 3, ये और ये कट गया, इसको 5 डिवाइड बाई 12 मल्टीप्लाई बाई कितना होगा 3, ठीक है 3 और 4, ये आ गया 5 डिवाइड बाई 4। तो रेशो कितनी आ गई, देयरफॉर तो यहाँ से तो आया आर 1 डिवाइड बाई आर 2 आ गया 5 डिवाइड बाई 4, देयरफॉर आर 1, तो रेशो कैसे निकलती है इसी का, तो यही तो होती है रेशो, आर 1 रेशो आर 2 इज इक्वल टू 5 रेशो, यही आंसर। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है, तो एंगल सबटेंडेड थ्रू ए पेंडुलम स्विंग्स एट इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर एंड टिप डिस्प्ले आर्क लेंथ, ये दिखती है, ठीक है। पहले इसको कंडीशन को समझ लेते हैं, ये पेंडुलम लटका हुआ है तो ये नीचे झूल रहा है, ठीक है ना, और इसकी लेंथ दी हुई है यहाँ से लेकर यहाँ तक 75 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये झूल रहा है तो यहाँ तक जाएगा, फिर यहाँ तक जाएगा, ठीक है। कोई देखिए आर्क लेंथ अलग अलग है, एक बार 10 सेंटीमीटर दिया है, दूसरी बार 15 सेंटीमीटर दिया है, तो अलग अलग है, ठीक है ना। सो ये होगा, एक चीज़ फिक्स है रेडियस, ठीक है ना, और एंगल भी अलग अलग होगा, क्योंकि अगर आर्क लेंथ अलग अलग है तो हमें वही रेडियन मेजर निकालना है, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन, लेट
आर बी द, देखिए लेंथ किसकी, पेंडुलम स्विंग्स की, ठीक है ना, तो आर बी द लेंथ ऑफ द पेंडुलम, ठीक है ना। तो आर क्यों रखा, देखिए अगर इस पेंडुलम को पूरा घुमाता तो ये पूरा का पूरा सर्कल फॉर्म करता, ठीक है ना, और तब ये जो मैंने आर लिया ये इसका रेडियस बनाता, जो 75 सेंटीमीटर है इसका रेडियस बनाता, तो इसलिए मैंने इसको एज ए आर कंसिडर कर लिया। तो लेंथ अगर थोड़ा सा स्विंग कर रहा है तब भी तो भाई आर्क लेंथ तो तब भी बना रहा है, तो एक सर्कल का एक पार्ट है वो, ठीक है ना। आर विद लेंथ ऑफ द पेंडुलम दैट इज आर इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 75 सेंटीमीटर। लेट एल बी द आर्क लेंथ इट कवर्स बाई इट्स स्विंग एंड थीटा बी द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। तो जो भाई एंगल बनेगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एट इट्स सेंटर, ठीक है, जो एंगल बनेगा बीच में उसको थीटा रख लेंगे। तो देखिए पहले जो आर्क लेंथ है पहले केस में 10 सेंटीमीटर दी है, तो सॉल्यूशन में लिखेंगे हियर आर इज इक्वल टू 75 सेंटीमीटर्स, एल इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर्स, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू एल डिवाइड बाई आर, सीधा 75, सॉरी एल, एल क्या था 10 डिवाइड बाई 75, तो 5 से करेंगे 2 और 15, 2/15 रेडियन इज द आंसर, सिंपल। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है सोल्यूशन, तो आर तो ऊपर से है, तो हेयर आर इज इक्वल टू जो पहले का दिया हुआ है, और एल कितना दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर्स, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू एल डिवाइड बाई आर, इसको कैसे करेंगे, एल कितना है 15 और आर आ गया 75 और 5, सो 1/5 रेडियन आ गया, तो रेडियन में ही पूछा हुआ है एंगल, तो ये आ गया। देखिए इसमें तो हेयर आर इज इक्वल टू 75 सेंटीमीटर्स है और एल कितना दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर्स, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू एल डिवाइड बाई आर, ठीक है, एल कितना 21 और 75, तो किससे कटेगा 3 से कटेगा, 7 3 2 5, ठीक है, 7/25 रेडियन, सही हो गया। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है, थैंक यू।